Welcome, dear students, to the course of Psychological Testing and Measurement 1. I am here, your course instructor, Nazia Yaqub. Today, we will study types of reliability. Main topics that we will learn today in the types of reliability that include parallel form reliability or equivalent form reliability. And other name for this type is alternative form reliability. Its subparts include introduction to equivalent form, its advantages and disadvantages. The second type will be split half reliability. It will include introduction, its advantages and disadvantages. And third will be the test retest reliability. First we will study its introduction, then reliability coefficient, test retest issues and examples of test retest. Now, alternate or parallel reliability. All these are the name of the single type. Parallel reliability, parallel form reliability, alternate form reliability or equivalent form reliability are the name of the single category in which the same person can be tested with one form on the first occasion and with another equivalent form on the second. इसमें participant same रहता है, हम पहले उसके उस participant को कोई एक measure provide करते हैं और उससे मिलती जुलती एक दूसरी measure second time provide करते हैं. For example, हमने participants को assess करने के लिए जब equivalent form को use करना है या parallel reliability assess करनी है किसी भी person की, हमने उसे पहले एक टेस्ट दिया, सेल्फ एस्टीम का सपोज दिया और कुछ टाइम के बाद हमने उसे दोबारा से सेल्फ एस्टीम का कोई दूसरा स्केल दे दिया. स्केल जो है वो सेम कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहा होगा, सेम एटीट्यूड को मेजर कर रहा होगा, बट इट विल बी डिफरेंट इन इट्स स्टेटमेंट्स और इट्स बाय इट्स डिवेलपर. जो भी उसका स्केल का ऑथर है वो कोई डिफरेंट ऑथर हो सकता है, उसके अंदर स्टेटमेंट्स जो है वो किसी डिफरेंट वे में लिखी हो सकती हैं, लेकिन इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. द कोरिलेशन बिटवीन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड ऑन द टू फॉर्म्स रिप्रेजेंट्स द रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ द टेस्ट. अब जो हमारे पास कोरिलेशन है उन स्कोर्स के दरमियान जो हमारे आ रहा है उसमें रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट जो है उसे थोड़ा सा सिमिलर होना चाहिए, प्लस वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन दोनों स्केल्स के दरमियान रिलायबिलिटी कितनी है और उन दोनों स्केल्स की रिलायबिलिटी क्या, आपस में उनके स्कोर का क्या लिंक है. ये चीज़ हमें पैरेलल रिलायबिलिटी से मेजर हमने करनी होती है, लेकिन इसके मेजरमेंट के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो कोरिलेशन का है. हम एक इंडिविजुअल स्केल के ऊपर एक पर्सन की मेजरमेंट ले लेते हैं, इसके लिए हमें रिलायबिलिटी का ऑप्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती. इसमें हम सिंपली जो है कोरिलेशन में जाके इसको असेस करते हैं और दोनों आप जो हमारे पास स्केल्स होते हैं जो हमने एडमिनिस्टर किए होते हैं पार्टिसिपेंट के ऊपर, उन दोनों स्केल्स की जो टोटल स्कोर्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप देख लेते हैं और जितना वो क्लियर रिलेशनशिप होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम कह सकते हैं बोथ आर द पॉजिटिव इंडिकेटर्स और हम इसको कह सकते हैं कि वो अच्छे सेम लेवल पर हम उसको मेजर कर सकते हैं आने वाले टाइम में. अगर उसके कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो जितनी वीक होती जाएगी उतना ही हम कहते हैं कि दीज बोथ मेयर्स आर लेस रिलायबल टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर. यहाँ पे हमारे पास पैरेलल फॉर्म की एक एग्जांपल दी हुई है. फर्स्ट करें हमारे पास एक कस्टमर है एन के नाम से, इसको हमने डिनोट किया हुआ है. पहले हम उससे एक सर्वे कंडक्ट करवाते हैं, उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं उसके इंटरेस्ट को मेयर करने के लिए, और फिर बाद में सर्वे बी से हम जो है वो कंप्लीट करवाते हैं जिसके अंदर अगेन हमने इंटरेस्ट को ही मेयर करना है लेकिन विद डिफरेंट स्टेटमेंट्स. यहाँ पे मैंने एक सैम्पल स्केल यूज़ किया हुआ है इक्विवेलेंट फॉर्म के तौर पे या पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी के तौर पे. ये जो स्केल है इस स्केल में हमने सेल्फ एस्टीम मेयर करनी है पार्टिसिपेंट की. अब हम क्या कर रहे हैं, एक ही हमने चीज़ मेजर करनी है जिसका जो एट्रीब्यूट हमने मेजर करनी है दैट इज सेल्फ एस्टीम, बट वी आर यूजिंग डिफरेंट स्केल्स, डिफरेंट स्टेटमेंट्स उसके अंदर होंगी, दोनों के अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगी.
अब मेरे पास एक एडोलेसेंस सेल्फ एस्टीम क्वेश्चनेयर है और दूसरा है रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल। दोनों का काम क्या है? दे आर मेजरिंग सेल्फ एस्टीम। और ये दोनों स्केल जो हैं एडोलेसेंस पॉपुलेशन के ऊपर यूज़ किए जा सकते हैं। एक स्पेसिफिकली एडोलेसेंस के लिए बना हुआ है, जबकि दूसरा रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल जो है उसके अंदर भी ये क्वालिटी मौजूद है कि आप इसे एडोलेसेंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एडोलेसेंस से लेकर अडल्ट तक आप इस पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे पास पॉपुलेशन जो है वो एडोलेसेंस की है। मैंने 18 इयर्स तक के पार्टिसिपेंट जो है, 16 टू 18 इयर्स के पार्टिसिपेंट्स जो है उनके उनके अंदर सेल्फ एस्टीम का लेवल असेस करना है। तो मैं पैरेलल फॉर्म के लिए या इक्वलेंट फॉर्म के लिए सेल्फ एस्टीम के ये दोनों स्केल्स यूज़ करूँगी। पहले मैं उनसे एडोलेसेंस सेल्फ एस्टीम क्वेश्चनेयर जो है वो फिल करवा लूँगी। सेकेंड स्टेज पर मैं उनसे या कुछ टाइम के बाद विद अ गैप ऑफ 1 or 2 days और 1 week मैं उनसे रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल जो है वो फिल करवा लूँगी। उसके बाद मैं इनके दोनों स्केल्स के ऊपर उनके रिस्पॉन्स जो है उन्हें नोट डाउन करके इनका टोटल स्कोर जो है वो हासिल कर लूँगी। उस टोटल स्कोर को हमने आपस में देखना है कि इनका रिलेशनशिप मौजूद है या नहीं। उस रिलेशनशिप की मेजरमेंट के लिए हम मेथड जो यूज़ करते हैं दैट इज़ पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। उससे हमें अंदाज़ा होता है वेदर दीज मेयर्स आर इंटरलिंक्ड और नॉट। अगर इंटरलिंक कर रही हो, कोरिलेशन की वैल्यू अच्छी आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि हम रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम की जगह एडोलेसेंस का सेल्फ एस्टीम क्वेश्चनर अल्टरनेटिव फॉर्म के तौर पे या पैरेलल फॉर्म के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इससे एक चीज़ कंफर्म भी होती है कि जो चीज़ एडोलेसेंस सेल्फ एस्टीम क्वेश्चनर मेयर कर रहा है, सेम जो है वो रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल भी मेयर कर रहा है। दोनों जो हैं रिलायबल मेयर्स हैं, बोथ आर यूजेबल इन प्लेस ऑफ वन अनदर। अल्टरनेट फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म और पैरेलल रिलायबिलिटी एक ही चीज़ है। दिस टाइप ऑफ रिलायबिलिटी हैज़ टेंडेंसी टू मेजर टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज टेम्पोरल स्टेबिलिटी, सेकेंड इज कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्सेज। हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास हम रिलायबिलिटी इस टाइप में पैरेलल फॉर्म में या अल्टरनेटिव फॉर्म में या इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर अक्रॉस डिफरेंट टाइम इंटरवल हम जब स्केल्स को एडमिनिस्टर करते हैं डिफरेंट स्केल्स को, तो उससे हमें टाइम बेस्ड स्टेबिलिटी नज़र आती है कि पार्टिसिपेंट के अंदर अक्रॉस द टाइम किस हद तक स्टेबिलिटी मौजूद है और वो मेजर जो है वो कितनी स्टेबिलिटी रखती हैं अपने अंदर कि उनको अगर विद डिफरेंट टाइम्स यूज़ किया जाए तो वो कितना अच्छा और एक्यूरेट स्कोर हमें प्रोवाइड करती हैं। दूसरा है कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्स। इनके अंदर हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो किस हद तक रिस्पॉन्स देते हुए कंसिस्टेंट रहते हैं। पहली दफ़ा उन्होंने हमें क्या रिस्पॉन्स दिया और सेकेंड टाइम उनका रिस्पॉन्स हमारे लिए क्या था, ये कॉन्सेप्ट जो है हम पैरेलल फॉर्म के अंदर जो है इस तरह से मेयर कर सकते हैं कि अक्रॉस इंटरवल हम पार्टिसिपेंट को डिफरेंट मेयर्स प्रोवाइड करें और उनके असेसमेंट गेन करके स्कोर्स को ऑब्टेन करके कोरिलेशन के थ्रू फाइंडिंग्स हासिल कर सकें। टाइम इंटरवल इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन अल्टरनेट रिलायबिलिटी एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन टेस्ट टू टेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट टू टेस्ट में भी टाइम इंटरवल का जो है अपनी एक अहमियत है और अल्टरनेट फॉर्म में या इक्विवेलेंट फॉर्म में भी इसकी एक अपनी अहमियत है। जो टेस्ट टू टेस्ट है और अल्टरनेट फॉर्म है दोनों में एक डिफरेंस मेजर पाया जाता है। टेस्ट टू टेस्ट में पार्टिसिपेंट और मेयर सेम रहते हैं। अल्टरनेट फॉर्म में पार्टिसिपेंट वही होता है, मेयर चेंज कर दी जाती है, या पैरेलल फॉर्म के अंदर पार्टिसिपेंट वही रहता है, उसके ऊपर जो एडमिनिस्टर होने वाला स्केल है उसे चेंज कर दिया जाता है। लेकिन टाइम की अहमियत दोनों में बहुत ज़्यादा है। इफ टू फॉर्म्स आर एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली देन द रिजल्टिंग कोरिलेशन शोज रिलायबिलिटी अक्रॉस फॉर्म ओनली नॉट अक्रॉस ओकेजंस। हाँ, अगर ऐसा हो कि आप दो डिफरेंट टेस्ट जो हैं एट अ टाइम पार्टिसिपेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो उसमें हमें जो स्कोर शो होंगे, जो रिजल्ट कोरिलेशन शो करेगा, वो हमें ये बताता है कि अक्रॉस हमारा जो उस स्पेसिफिक
स्केल है या स्पेसिफिक फॉर्म है उसके अक्रॉस हमारी रिलायबिलिटी क्या है, अक्रॉस ओकेजन शो नहीं करेगा। यानी कि हमने तो ये लेना है कि एक दफ़ा हमने अप्लाई किया और उसके बाद कुछ गैप के बाद अप्लाई किया, तो ये हमारी ऑल्टरनेटिव फॉर्म पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहलाएगी। लेकिन अगर हम दोनों स्केल जो हैं एट अ टाइम एडमिनिस्टर कर देते हैं, फ़र्ज़ करें हमने एक ही दिन पे दोनों स्केल्स को अप्लाई कर दिया पार्टिसिपेंट के ऊपर, दो डिफरेंट स्केल जो सेल्फ एस्टीम मेजर कर रहे हैं, एडोलसेंस सेल्फ एस्टीम क्वेश्चनियर एंड रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल, दोनों को अगर एट अ टाइम कर देते हैं तो ये हमें ओकेजन के बारे में उनकी जो परसेप्शन है जो डिफरेंट हो जाती है डिफरेंट डेज के ऊपर, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे हम। ये अक्रॉस ओकेजन इसकी असेसमेंट नहीं हासिल कर सकते, हम सिर्फ अक्रॉस फॉर्म हासिल कर सकते हैं कि दो डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर उस पर्सन ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। दिस एरर ऑफ वेरियंस शोज फ्लक्चुएशन इन परफॉर्मेंस फ्रॉम वन सेट ऑफ आइटम टू अनदर बट नॉट फ्लक्चुएशन ओवर टाइम। अगर हम ऐसा करते हैं कि टाइम में पार्टिसिपेंट से फिगर करवा लेते हैं दोनों स्केल्स, तो उसमें हमारे पास ओवर टाइम फ्लक्चुएशन शो नहीं होगी, ओवर फॉर्म शो होगी, या ओवर हमारा जो स्केल है उसके ऊपर ये बताएगा हमें कि क्या फ्लक्चुएशन आ रही है। कोई चेंज अगर आ रहा है तो सिर्फ फॉर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस पर टाइम का कोई भी उस इंटरफेरेंस नहीं है। हालांकि अगर हम टाइम के लिहाज से देखें तो ये एक ज़्यादा एफिशिएंट मेजर के तौर पे यूज़ हो सकता है। नाउ टू इक्वलेंट फॉर्म्स, कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं जो टू इक्वलेंट फॉर्म्स के अंदर होने चाहिए। बोथ फॉर्म शुड मीट ऑल द टेस्ट स्पेसिफिकेशन सच एज नंबर ऑफ आइटम्स शुड सेम, दोनों स्केल्स के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट फॉर्म के तौर पर आप कोई भी स्केल ले रहे हैं तो सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम बाज़ूकत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल है वो 10 आइटम का है, दूसरा स्केल आपके पास 11 का भी हो सकता है 9 का भी हो सकता है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आपके पास एक स्केल 10 आइटम्स वाला है तो दूसरा भी आप 10 आइटम्स वाला ही यूज़ करें। ऐसा कब कब किया जाता है? एक चीज़ तो ये है ऑलरेडी डेवलप स्केल्स के अंदर हम उनकी रिलायबिलिटी को रीटेस्ट करते हैं, दोबारा से हम चेक कर लेते हैं वेदर दिस मेजर इज रिलायबल और नॉट। सेकेंड कंडीशन, आप कोई न्यू टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, आप नया स्केल डेवलप कर रहे हैं, तो आपने उस स्केल की रिलायबिलिटी असेस करनी है, तो ऑलरेडी जो डेवलप स्केल हैं आप उनके साथ उसको असेस कर सकते हैं। द काइंड ऑफ आइटम्स इन बोथ फॉर्म्स शुड बी यूनिफॉर्म इन रिस्पेक्ट टू ऑल क्वालिटीज। जितनी भी फॉर्म्स की जो टाइप्स हैं, तो जितनी भी आइटम्स हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल सेम होना चाहिए, उन वो हर तरह से आइटम्स जो हैं वो सिमिलर होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए। द आइटम्स शुड बी सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी लेवल मैंने पहले भी बताया सेम होना चाहिए उनका। आइटम्स जो है कॉम्प्लिकेटेड, एक के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एक के अंदर ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के अंदर डिफ़िकल्टी लेवल दोनों स्केल्स के अंदर दोनों फॉर्म्स के अंदर सेम होना चाहिए। अगर उसमें थ्री आइटम्स एक स्केल के अंदर डिफ़िकल्टी लेवल वाली हैं तो दूसरे स्केल के अंदर भी थ्री आइटम्स के अंदर ही डिफ़िकल्टी लेवल हाई होना चाहिए। एक के अंदर फाइव आइटम्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट्स के अंदर हैं और एक के अंदर 10 आइटम्स ही जो हैं वो सिंपल हैं, उनके अंदर डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोथ टेस्ट फॉर्म्स should have the same degree of items homogeneity in the operation or trade to be measured. दोनों जो स्केल्स हैं उनके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उनके अंदर होमोजेनिटी होनी चाहिए। यानी कि फ़र्ज़ करें सेल्फ स्टीम के एक स्केल के अंदर जो है हमारे पास पर्सन की सेल्फ एवेल्यूएशन के बारे में जिक्र हो रहा है, तो दूसरे स्केल के अंदर भी उससे मिलती जुलती स्टेटमेंट्स होनी चाहिए और उनको मेजर करने के लिए भी हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो भी हमें सेम ही यूज़ करना चाहिए। यानी कि जब आपने कोई भी अल्टरनेटिव फॉर्म अल्टरनेट फॉर्म यूज़ करना है या पैरेलल फॉर्म यूज़ करना है या इक्विवेलेंट फॉर्म यूज़ करना है, तो उसके अंदर आपने ये देखना है कि उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो सिमिलर हों इन ऑल एस्पेक्ट, डिफ़िकल्टी लेवल भी, उसके डिवीजन के लिहाज से भी, नंबर ऑफ आइटम के लिहाज से भी, और उनके जो आइटम्स हैं उनकी रिटर्न स्टेटमेंट्स भी सिमिलर होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। द मीन्स एंड एसडी शुड बी क्लोज फॉर बोथ टेस्ट। दोनों जो टेस्ट हैं उनके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सिमिलर होने चाहिए, तकरीबन तकरीबन करीब करीब होने चाहिए। द मैकेनिक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग शुड बी सेम। जो हमारे पास
उस स्केल को एडमिनिस्टर करने का तरीका है वो भी सिमिलर होना चाहिए और स्कोरिंग का तरीका भी सेम सेम होना चाहिए। मसलन कुछ स्केल ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिवर्स आइटम ज़्यादा होती हैं, अगर आपके स्केल के अंदर रिवर्स आइटम है तो दूसरा जो आप पैरेलल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी रिवर्स आइटम होनी चाहिए। अगर आप सिंपल स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं विदाउट रिवर्स आइटम्स तब आपके पास दोनों स्केल्स के अंदर सिमिलर चीज़ें होनी चाहिए, दोनों में आपने रिवर्स आइटम्स से अवॉइड करना है, रिवर्स आइटम वाला स्केल फिर आप यूज़ नहीं करेंगी। और दोनों स्केल्स के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद ये चीज़ है कि अगर एक स्केल इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन वाला है तो आपने दूसरा भी इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन वाला यूज़ करना है, अगर एक ग्रुप वाला है तो दूसरा भी आपने ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन वाला यूज़ करना है। सेकेंड, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, आप किस किस्म के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो दोनों स्केल के अंदर थोड़ी सिमिलर होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन, टाइम लिमिटेशन, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स एंड ऑल अदर आस्पेक्ट शुड बी इक्वल। ये सारे के सारे, अगर उसके अंदर कोई इमेजेस यूज हो रहे हैं किसी स्केल के अंदर तो दोनों स्केल्स के अंदर इमेजेस होने चाहिए। टाइम लिमिटेशन दोनों के सिमिलर होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्केल के पार्टिसिपेंट फिल करने में 10 मिनट्स लगा रहा है तो दूसरा भी ऐसा ही होना चाहिए कि उसको फिल करने में भी पार्टिसिपेंट को 10 मिनट्स ही लगने चाहिए। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स, एक अच्छा इक्विवेलेंट फॉर्म जो है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। दिस मेथड इज सेटिस्फैक्ट्री व्हेन सफिशिएंट टाइम हैज इन्वॉल्व बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टू फॉर्म्स टू वीकन और एलिमिनेट मेमोरी और प्रैक्टिस इफेक्ट। इसका फायदा तब होता है जब आप दोनों फॉर्म्स के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान काफ़ी हद तक टाइम जो है पार्टिसिपेंट को प्रोवाइड करते हैं, इतना हो टाइम कि वो आसानी से स्टेटमेंट्स को पढ़ के रिस्पॉन्स दे सके, और पर्सन के अंदर जो है मेमोरी का इफेक्ट जो है वो भी ना आ सके। फॉर एग्जाम्पल इतना टाइम ना दें आप कि वो आप टाइम बाउंड्री कोई भी ना रखें, आप फ्री हैंड दे दें कि आप आसानी से उसे कहें जब आपसे पॉसिबल हो आप ये रिटर्न कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने टाइम लिमिट रखनी है 10 मिनट्स की अगर एक्यूरेसी एक एक फॉर्म के लिए तो दूसरे के लिए भी आपने तकरीबन तकरीबन उतना सा टाइम रखना है, ताकि पार्टिसिपेंट जो है दोबारा से जो उसके प्रीवियस रिस्पॉन्सेज थे उनको मेमोराइज करके उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्सेज ना दें, पिछली मेमोरी रिकॉल करके आपको वैसे मिलते जुलते कॉन्शियसली ना रिस्पॉन्स करें, बल्कि जो उन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं उसे आने चाहिए फॉरन फॉरन माइंड में, वो ही वाले रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करे बजाय इसके कि वो प्रीवियस रिस्पॉन्सेज को माइंड में ला के याद करें कि मैंने लास्ट टाइम क्या रिस्पॉन्स दिया था, यहाँ पे भी मैं वही लगाता हूँ। ऐसे सिस्टम नहीं होना चाहिए, बल्कि पार्टिसिपेंट जो है उसको इतना टाइम आप दें, बहुत ज़्यादा टाइम भी ना दें, बहुत लिमिटेड भी ना दें, ये भी ना कहें कि बस आपने 2 मिनट में करके वापस कर देना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक स्किल 5 मिनट्स लेता है तो दूसरा भी 5 मिनट्स के अंदर आप उस पार्टिसिपेंट को कंप्लीट करना चाहिए, आपकी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट स्केल के लिए भी 5 मिनट्स की ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिसेस एंड रिकॉल आर आल्सो लेसन। ऐसे समय क्या होता है जब बार बार आप करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बेहतर होती है, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी स्किल्स इन्हेंस होती हैं, आप ऐसा करते हैं इस चीज़ में आपको परफेक्शन आना शुरू हो जाती है कि आप रिकॉल के इफेक्ट को लेस कर सकते हैं। पर्सन को जब हम कोई भी टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हों, जब हम ट्रू रिस्पॉन्सेज किसी भी पार्टिसिपेंट के लेना चाहते हैं, बेशक आप पहली दफ़ा कोई स्केल एडमिनिस्टर कर रहे हैं या आप सेकेंड टाइम या सिमिलर को टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, आपका मेथड क्या होना चाहिए टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। आपने पार्टिसिपेंट को एक टाइम लिमिट प्रोवाइड कर दी, आमतौर पर उस टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम दिया होता है कि 10 मिनट लगते हैं अमूमन, कुछ लोग 11 भी लगा सकते हैं, कुछ लोग 9 में भी कर सकते हैं, 8 में भी कर सकते हैं। आपके इंस्ट्रक्शंस क्या होने चाहिए, आपके पास इतना टाइम है, इतने टाइम में आपने अपने टू रिस्पॉन्सेज जो है वो नोट डाउन करने हैं। पार्टिसिपेंट को आपने ये कहा कि आपने अपने टू रिस्पॉन्सेज जो है यहाँ पे देने हैं, निशान लगाने हैं निशान लगा दें, अगर उसके अंदर आपने टिक मार्क करवाना है या नंबरिंग लिखवानी है तो वो जो भी आपका स्केल है उसके अकॉर्डिंग आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दें। प्लस सेकेंड, आपने क्या काम करना है, ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन यू शुड बी साइलेंट ऑब्जर्वर एंड अलर्ट एग्जामिनर। वो किस तरह से, आप बार बार रिमाइंड करवाते जाएंगे अपने टू रिस्पॉन्सेज दें और एज सुन एज पॉसिबल इसे कंप्लीट करके मुझे रिटर्न कर दें। जब आप बार बार
इंटरप्ट कर रहे होंगे, तो उसमें पर्सन अपनी तरफ से जो एक खुद को अच्छा बनाने के लिए सोच रहा होगा या अपना बायस्ड रिस्पांस देने की कोशिश कर रहा होगा, वो चीज़ जो है थोड़ी सी इंटरप्ट हो जाएगी और आपको ओरिजिनल रिस्पांस मिल जाएगा। इसलिए जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक मेथड तो ये है कि आप टाइम बार बार रिकॉल करवाते जाएं। यू हैव 5 मिनट्स नाउ, योर हाफ टाइम पास्ट अवे, प्लीज़ इंडिकेट योर ट्रू रिस्पॉन्सेज। इस तरह की स्टेटमेंट्स जब आप पास करते हैं तो पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अलर्ट रहते हैं, वो अपनी मेमोरी को उस तरह से रिकॉल नहीं कर पाते और ट्रू रिस्पॉन्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ टू इक्विवेलेंट फॉर्म। फर्स्ट वन इज इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स। वाकई में ये बहुत मुश्किल काम होता है कि एग्जैक्टली सेम कोई स्केल आपको मिले। ऐसा तभी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी कोई एक डेवलप किया हुआ स्केल सामने रख के नया स्केल बनाया हो और उससे हेल्प ले के आपने सारा काम किया हो, सारी चीज़ें सिमिलर आप रखें, तभी हो सकता है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा उसमें करते हैं कि ऑलरेडी डेवलप स्केल जो है आप उनको कर लें, तो उसमें आपको इक्विवेलेंट फॉर्म मिलना बहुत मुश्किल है। सेम आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी, जो कि उसके अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम कॉज कर देती है जिसकी वजह से हमारी इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। सेकंड, व्हेन टू फॉर्म्स आर आइडेंटिकल देन रिलायबिलिटी इज हाई, बट इफ बोथ फॉर्म्स आर पैरेलल देन रिलायबिलिटी इज लो। अगर दोनों जो हैं एक ही जैसे फॉर्म है, एग्जैक्टली आइटम सेम है, एग्जैक्टली हर चीज़ है, तो वहाँ पे हमारे पास जो है आप कहते हैं कि ऑलरेडी आपके पास जो डेवलप स्केल है उसकी तरफ देख के सेम आपने बनाया है, तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा, रिलायबिलिटी की वैल्यू उसकी बहुत हाई होगी। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेम चीज़ें होने की वजह से आप उसमें आपके और ऑलरेडी डेवलप स्केल के अंदर फ़र्क नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप दूसरा मेथड को यूज़ करते हैं, पैरेलल फॉर्म यूज़ करते हैं, ऑलरेडी जो डेवलप स्केल है उनके आपस में मेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर रिलायबिलिटी तो लो आती है, लेकिन आपके उन स्केल्स के अंदर थोड़ा डिफरेंस भी नज़र आता है कि दोनों डिफरेंट मेयर्स हैं। लिमिटेशन क्या है? इट कांट बी अप्लाइड ऑन मैनी टेस्ट। ये बहुत सारे टेस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ इस्टीम स्केल को ही देख लें, एग्जैक्टली उसकी सेम मिलती जुलती, अगर एक 10 आइटम का स्केल है तो दूसरे अगर हम चूज कर रहे हैं तो कोई 6 आइटम का होगा, कोई 12 का होगा, कोई 15 का होगा, हमें एग्जैक्टली 10 आइटम स्केल नहीं मिल रहा। प्लस अगर आपका एक रेटिंग स्केल है तो दूसरा भी रेटिंग होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं मिलता कि दोनों स्केल रेटिंग भी हों, उनके अंदर नंबर ऑफ आइटम 10 भी हों, उनके अंदर डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम हो, उनके अंदर स्कोरिंग मेथड भी सेम हो, स्कोर्स भी सेम दे, ऐसा बहुत कम है। नाउ द सेकंड मेथड, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। दिस इज अ टेस्ट फॉर अ सिंगल नॉलेज एरिया इज स्प्लिट इनटू two parts and then both parts given to one group of students at the same time. इसमें क्या होता है, मेयर आपकी एक है, आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो फर्ज करें 6 हैं, 6 में से 3 नंबर ऑफ आइटम्स आपने एक ग्रुप को दे दिए, 3 नंबर ऑफ आइटम्स आपने दूसरे ग्रुप को दे दिए, फिर दोनों की मेयर के अलग-अलग स्कोर्स ले लिए और उनको कंपेयर किया, तो ये हमारे पास स्प्लिट हाफ मेथड में आता है। ये ओल्डर मेथड है कि आप मैनुअल डिस्क्रिमिनेशन करें या मैनुअली आप आइटम्स को जो है वो सेपरेट करके एक अलग से फॉर्म बनाएं और फिर अलग से पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप बना के उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करें, ये एक ओल्डर मैनुअल मेथड है। नाउ इन द एडवांस मेथड व्हाट यू विल डू, आप सिंपली एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं स्केल को, रिलायबिलिटी में जाते हैं, वहाँ पे जाके आप ऑप्शंस चूज करते हैं। अगर आपको स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी चाहिए है तो आप वहाँ पे स्प्लिट हाफ पे चेक कर देते हैं बॉक्स को और आपका जो है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी की वैल्यू निकल के आपके सामने आ जाती है, बजाय इसके कि आप अलहदा से पार्टिसिपेंट को एक हाफ फॉर्म करके दें और वो सारी चीज़ें इस तरह से हों सेपरेटली, बल्कि आप सिंपली एसपीएससी सेपरेशन खुद कर लेता है आपके लिए, नंबर ऑफ आइटम्स को खुद इवन और ऑड में डिवाइड कर लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए आइटम नंबर 1 जो है वो ग्रुप ए के पास है, आइटम नंबर 2 ग्रुप 2 के पास है, आइटम नंबर 3 जो है वो 1 के पास है, 4 जो है वो 2 के पास है, आइटम नंबर 5 अगेन ग्रुप 1 के पास है और आइटम 6 जो है वो ग्रुप 2 के पास है।
देखिए ऑड आइटम्स ए ग्रुप के पास चली गई, इवन आइटम्स ए ग्रुप के पास चली गई। एसपीएसएस में ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, सिंपली यू हैव टू फिल द फॉर्म फ्रॉम द सिंगल पॉपुलेशन। आप एक ही ग्रुप से जो है ये इसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, पूरे फॉर्म की एडमिनिस्ट्रेशन करवा के फिर आप उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको एसपीएसएस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू फाइंड द इंटरनल कंसिस्टेंसी। स्प्लिट हाफ को आप इंटरनल कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए भी यूज करते हैं। द आइटम्स ऑफ अ टेस्ट आर डिवाइडेड इक्वली इंटू टू हाफ्स विच शुड बी इक्वलेंट और वेरी नियरली सो। हम दो हाफ के अंदर आइटम्स को डिवाइड कर लेते हैं। फर्ज करें आपके पास एक स्केल है, उसकी 11 आइटम्स हैं। पिछले एग्जाम्पल में 6 आइटम्स थी, 3 एक ग्रुप के पास चलेंगी, 3 एक के पास चलेगी। अब 11 आइटम्स हैं, 11 में से एक के पास 5 जाएंगे, एक के पास 6 जाएंगे, ऑड के पास ऑड जो है उनके पास ऑड नंबर्स जाएंगे ग्रुप के पास, और जो इवन वाला है आइटम्स वो एक अलहदा ग्रुप के पास जाएंगे। तो फिर जो भी आपके पास नंबरिंग है ऑड वाले जो है उनके पास एक आइटम ज़्यादा चली जाएगी। तो यहाँ पे ग्रुप्स में इक्वली रिलेटिवली इक्वली डिवाइड किया जाता है, यहाँ मिलता जुलता। अगर हमारे पास एक नंबर ऑफ आइटम्स इस लिहाज से आ जाते हैं, एक आध की ऊँच नीच होती है तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होते हैं, तो फिर उसे हम किसी एक पार्टिसिपेंट एक के ग्रुप के अंदर जो है वो ऐड कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा आइटम होती है। द टू स्कोर्स फॉर ईच टेस्ट आर ऑब्टेन्ड फॉर ईच इंडिविजुअल बाय एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट ओनली वंस। हाँ, इसमें ये चीज़ होती है कि आपने एक इंडिविजुअल के ऊपर उस टेस्ट को सिर्फ एक ही दफ़ा एडमिनिस्टर करना है, आप मोर देन वन टाइम नहीं करेंगे। पैरेलल फॉर्म में क्या था कि आपके पास पार्टिसिपेंट सेम रहता है, आप उसको अक्रॉस टाइम मेजर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही पार्टिसिपेंट को आपने एक ही दफ़ा में जो है अपना टेस्ट अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने दोबारा उस पार्टिसिपेंट को अप्रोच नहीं करना। ये इसके अंदर एक डिफरेंट चीज़ है रिलेटिवली स्प्लिट हाफ को और जो पैरेलल फॉर्म है उसको, दोनों को सेपरेट करने के लिए। इट इज़ आल्सो नाउन एज ऑड इवन रिलायबिलिटी, जैसे कि इसकी हमारे पास डिवीजन ही ऑड इवन के लिहाज से हुई हुई है। इन दिस टाइप आइटम्स शुड आल्सो बी अरेंज इन सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। इसमें आइटम जो है उनको डिफिकल्टी लेवल के लिहाज से हमने सेम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना हो कि सिर्फ हमने जो है उसके अंदर आइटम्स का सीक्वेंस इस तरह से रखा जाता है कि डिफ़िकल्ट आइटम एक लेवल पर आ जाएँ और जो सिंपल आइटम है वो एक लेवल पर आ जाएँ। बीच में इवन और ऑड के अंदर खुद आप डिस्क्रिमिनेट करके आइटम्स को क्लासिफाई नहीं करते हैं, बल्कि हम थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं कि जो मुश्किल आइटम्स हैं वो इक्वली दोनों ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हों। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में किसी भी स्केल के फर्स्ट पार्ट के अंदर डिफ़िकल्ट आइटम्स नहीं ऐड करनी चाहिए, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो जैसे ही डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज़ हो जाता है और वो आपके स्केल को इतने इंटरेस्ट से फिलअप नहीं करते। कोशिश ये करनी चाहिए स्टार्ट में सिंपल और ऐसी आइटम होनी चाहिए जिसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फील ना हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल हाई ना हो, ताकि पार्टिसिपेंट जो हैं वो स्टार्ट करें और इंटरेस्ट लेते रहें स्केल के अंदर अनटिल एंड अनलेस दे कंप्लीट द स्केल। एंड वाली आइटम में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल आप बढ़ा दें, उसमें थोड़ा सा वो पार्टिसिपेंट के अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है, ये देख के उसको थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कि बस कुछ एक दो आइटम रह गए हैं जिनको मैंने आंसर करना है, तो वो उसमें स्ट्रगल कर लेता है। अदरवाइज पार्टिसिपेंट्स जो हैं डिफ़िकल्टी लेवल हाई वाली आइटम अगर आप स्टार्ट में रखते हैं तो वो इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर देते हैं और आपको अच्छे स्कोर्स नहीं मिलते हैं, फिर वो बगैर पढ़े आंसर करेंगे अगर आप स्टार्ट में डिफ़िकल्ट आइटम रखेंगे तो। नेक्स्ट है द स्कोर इज़ फाउंड फॉर एवरी इंडिविजुअल फॉर ईच हाफ एंड द टू सेट्स ऑफ पेयर स्कोर्स आर देन कोरिलेटेड। अब यहाँ पे दो तरीके हैं कि जिस ग्रुप को पहले आपने ऑड आइटम्स दी थी उस ग्रुप को आपने इवन भी दी हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर ग्रुप का जो पार्टिसिपेंट है उसको हम उस प्रोसेस में से गुजार रहे हैं, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास एडवांसमेंट आ गई उसकी बेस पे हम सिंपली एसपीएसएस में जाके इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं जो हमें मैनुअली करनी होती हैं। द इफेक्ट ऑफ चांस फैक्टर्स आर अनकोरिलेटेड। चांस फैक्टर के जो इफेक्ट्स हैं इसके अंदर ज़्यादा
लिंक नहीं रखते हैं बिकॉज बोथ मेजर्स यूज टेकिंग इन सेम आर टेकिंग इन सेम ओकेजन सिचुएशन कॉज बाय टेम्परेरी कंडीशन विद इन द टेस्ट और बाय द कंडीशन इन द एक्सटर्नल वेरिएबल्स विल ऑपरेट इन द सेम डायरेक्शन. इसमें क्या होता है कि हमारे पास पार्टिसिपेंट के अंदर अक्रॉस सिचुएशन हमने उनको मेजर कर लिया, किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर जब हम उनके मेजरमेंट ले लेते हैं तो उसको फिर बाद में हम स्प्लिट हाफ के थ्रू असेस कर सकते हैं. स्प्लिट हाफ रिलेबिलिटी की मेजरमेंट के लिए हम ट्रेरमैन ब्राउन फार्मूला यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एस्टिमेट स्प्लिट हाफ रिलेबिलिटी. इसकी लिमिटेशन क्या है, इट आल्सो कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन वेरियस स्पीड टेस्ट. बहुत सारे स्पीड टेस्ट हैं जिसके ऊपर हम इसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर हमने बेसिकली ये चीज़ असेस करनी होती है हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो उनकी एक्यूरेसी एफिशिएंसी क्या है. सेकंड, देयरफॉर द बेस्ट मेथड फॉर स्पीड टेस्ट इज टेस्ट ट्री टेस्ट रिलायबिलिटी. तो वहाँ पे जहाँ पे हमारी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी काम नहीं करती वहाँ पे हम टेस्ट ट्री टेस्ट रिलायबिलिटी को यूज़ करके हम स्पीड टेस्ट की असेसमेंट कर सकते हैं, उसमें उसकी रिलायबिलिटी को वेरीफाई किया जा सकता है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी कैन बी टेकिंग इन सेम ओकेजन. इसमें हम एक ही टाइम पे आप रिलायबिलिटी में असेस कर सकते हैं पार्टिसिपेंट की. इसमें आपको टू डिफरेंट ओकेजन्स पे नहीं असेस करना पड़ता, दो डिफरेंट मेजर्स नहीं लेनी पड़ती. Variation determined that are brought out by differences between the two testing situations. इसमें हम दो टेस्टिंग सिचुएशन के लिए हाजिर वेरिएशंस आ सकती हैं, उनको असेस करते हैं, उनको डिटरमाइन करते हैं. इट इज़ बेस्ट फॉर परफॉर्मेंस टेस्ट, क्वेश्चनियर एंड पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज. ये मेथड पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज के लिए जो ऑब्जेक्टिव मेजर्स हैं उनके लिए और किसी भी और पर्सनैलिटी ट्रेट को असेस करने के लिए जिसमें टेस्ट बेस्ड क्वेश्चनियर यूज किए जाते हैं बेस्ट मेजर है, बेस्ट मेथड है. इट प्रोवाइड बेस्ट स्कोर फॉर प्रेडिक्टिव पर्पस देन दोज फाउंड बाय रीटेस्टिंग. इसमें हमारे पास जो स्कोर्स आते हैं प्रेडिक्टिव पर्पस के लिए जो स्कोर्स आते हैं वो बेस्ट फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं. हमें एक्यूरेसी मिल जाती है कि अगर हम दो डिफरेंट पार्ट में स्केल को डिवाइड करते हैं तो इसमें हमारे पास रिलायबिलिटी की वैल्यू क्या आती है, ये हमें असेस करने में आसानी होती है. नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी. द चांस एरर में इफेक्ट द स्कोर्स ऑन द टू हाफ्स ऑफ द टेस्ट. चांस एरर हमेशा रहता है, आप कोई भी मेथड यूज कर लें मेजरमेंट का उसके अंदर चांस एरर इफेक्ट करता ही करता है. If the test is too short, it invites the temporary subjective variables for disturbance. अगर टेस्ट जो है वो कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 आइटम का स्केल था पीछे जिसकी एग्जाम्पल स्टार्ट में हमने दी, बहुत ही कम आइटम है इसके अंदर, उसमें हमारे सब्जेक्टिव वेरिएबल जो हैं वो इफेक्ट करेंगे, हमारे हो सकते हैं रिलायबिलिटी की वैल्यू अच्छी ना आए स्प्लिट हाफ में, और उसमें हमारी जो पार्टिसिपेंट को कुछ वेरिएबल्स के अंदर डिस्टर्बेंसेस फेस करनी पड़ रही हैं वो हो सकते हैं उनको आइटम्स की डिफ़िकल्टी लेवल की वजह से अच्छी स्कोरिंग ना आ रही हो. जितनी कम आइटम होंगी उसमें रिलायबिलिटी की वैल्यू बाज़ात उतनी ही कम होती है स्प्लिट हाफ में स्पेशली, क्योंकि उसमें मजीद हाफ में डिवाइड हो जाता है हमारा स्केल. तो इसलिए नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं उसका ख्याल रखना चाहिए कि हमारे स्केल के अंदर कितनी हैं. अगर नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज ना हो सकती हों तो फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमारे स्केल की रिलायबिलिटी हमें क्लियर हो जाए. नेक्स्ट है द टेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन नंबर ऑफ वेज सो दैट द रिलायबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट इज नॉट एन इक्वल वैल्यू. एक तरीका होता है इवन एंड ऑड का, ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि बेस्ट मेथड कंसिडर किया जाता है डिवीजन का. सेकेंड मेथड है फर्स्ट थ्री एंड सेकेंड थ्री, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ. उसमें क्या होगा कि आप फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स को चूज़ कर लेंगे. अगर आपका 6 आइटम का स्केल है एक ग्रुप के लिए आपने फर्स्ट थ्री आइटम्स चूज़ कर ली, दूसरे ग्रुप के लिए आपने लास्ट थ्री आइटम्स चूज़ कर ली. तो ये भी एक तरीका है स्प्लिट करने का अपने स्केल को या टेस्ट को जो भी जिसकी भी आप असेसमेंट करना चाह रहे हैं. लेकिन बेस्ट मेथड जो है वो ऑड एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसीडर किया जाता है. उसमें इक्वली जो आइटम्स हैं वो डिवाइड हो जाती हैं पार्टिसिपेंट्स के दरमियान, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल भी तकरीबन सेम रह जाता है.
Now, here is the third part, third type of reliability measurement, test-retest reliability. Test-retest method of determining reliability is accomplished by administering a test or टेस्ट टू अ ग्रुप। आप इसको आमतौर पर ग्रुप के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जब क्लिनिकल सेटिंग के अंदर हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम इंडिविजुअल में भी अप्लाई करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल ग्रुप के अंदर होता है रिसर्चेस में, क्योंकि जब आप स्केल डेवलप कर रहे हैं यू हैव टू एडमिनिस्टर एनी टेस्ट ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन प्रेफर की जाती है जब आप स्केल डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। After a period of time has passed, the same test is re-administered to the same group. जिस तरह पैरेलल फॉर्म था वहां पे अगली दफा जब आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो स्केल कोई और लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप सेम स्केल ही सेम पार्टिसिपेंट के ऊपर आफ्टर सम टाइम यूज कर रहे होंगे, इसलिए इसको टेस्ट री टेस्ट मेथड कहा जाता है। पहली दफा जब आप अप्लाई करते हैं उसे हम टेस्ट मेथड टेस्ट स्टेज कहते हैं, जब दूसरी दफा अप्लाई करते हैं कुछ टाइम के बाद वो री टेस्ट स्टेज कहलाती है। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी, इसे हम स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी भी कहते हैं। इट इज़ यूज इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिक्वायर्स अ डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। क्वालिटेटिव स्टडीज में और क्वान्टिटेटिव स्टडीज दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्वान्टिटेटिव में हम इसको SPSS में रिलायबिलिटी इंडेक्स के अंदर असेस कर सकते हैं, रिलायबिलिटी के ऑप्शन के अंदर जाके ऑप्शन चूज कर सकते हैं टेस्ट री टेस्ट का। बट इन द क्वालिटेटिव मेथड हम इसको जो क्वालिटेटिव रिसर्च की फॉर्म में डिफरेंट वे में हम इसको असेस करते हैं, उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। नाउ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी। आफ्टर टू टेस्ट हैव बीन एडमिनिस्टर्ड आवर रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्कोर्स ऑब्टेन्ड। जो हमने दो स्कोर्स ऑब्टेन किए हुए हैं उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप मेजर करना है। अब देखिए, हमने पैरेलल फॉर्म किया तब हमने कोरिलेशन मेजर किया दोनों स्केल्स के दरमियान, पहला फॉर्म और दूसरा फॉर्म। हमने स्प्लिट हाफ मेथड यूज़ किया, उसमें हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों को स्प्लिट करके उनके दरमियान रिलेशनशिप मेजर किया, कोरिलेशन असेस किया। नाउ जो टेस्ट री टेस्ट है इसमें भी हमने टेस्ट स्टेज के ऊपर जो हमारे पास स्कोर आया और रीटेस्ट स्टेज के ऊपर जो स्कोर आया दोनों को अलहदा अलहदा जो है हमने स्कोर लेके कोरिलेशन उनके अंदर असेस किया। कोरिलेशन का लेवल जो है वो ही हमें बताता है वेदर दीज मेजर्स आर इंटरलिंक्ड और नॉट। इफ द सेम रिजल्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द टू टेस्ट देन द कोएफिशिएंट इज इक्वल टू वन। कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 के दरमियान रेंज करती है। अगर सेम एग्जैक्टली सेम रिजल्ट हमें दोनों दफ़ा मिलता है, सेम स्कोर पार्टिसिपेंट का आता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो वैल्यू हमारे पास कोरिलेशन की 1 आएगी। 1 से कम भी हो सकती है, 0.9 भी हो, 0 भी हो सकती है, 0.95 भी हो सकती है, 0.87 भी हो सकती है। बट जितना ज़्यादा ये स्केल जो है हमें 1 के करीब स्कोर प्रोवाइड करेगा उतने ही ज़्यादा रिलायबल हम इसको कंसिडर करते हैं। The coefficient is influenced by the amount of time that has passed between the administration of the two tests. Coefficient जो है वो दोनों टेस्ट के दरमियान जितना टाइम आपने गैप दिया है जितने टाइम का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, उसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होता है। अगर आप कम टाइम देंगे तो जो डिफरेंस है वो और तरह का होगा, अगर आप गैप जो है वो ज़्यादा देते हैं तो डिफरेंस कुछ और होगा। स्टडीज़ ये कहती हैं कि बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, मंथ्स का गैप भी नहीं होना चाहिए और डेज और आवर्स का गैप भी नहीं होना चाहिए। वीक्स जो हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा कंसीडर किए जाते हैं, 1 वीक के गैप के बाद आप स्टडी कर लें सेम पार्टिसिपेंट को, 2 वीक्स के बाद कर लें, विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स आप स्टडी कर लें दोबारा से रीटेस्ट स्टेज परफॉर्म कर लें, क्योंकि जब आप इससे ज़्यादा ड्यूरेशन करते हैं पर्सन की लाइफ में कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जो उसके ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हों, या कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जो उसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा हो, जो आपकी टेस्ट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। हाउ यू विल मेजर रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट? द रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर द लॉन्गर द टाइम इंटरवल।
between the test due to the possibility of changes in the population taking the test. जितना आप टाइम बढ़ा देंगे, टाइम इंटरवल बढ़ा देंगे दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, उतना ही रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट कम हो जाता है. मसलन जो मैंने पहले बात कही आपसे कि टाइम गैप बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. जब बहुत कम होता है तो एग्जैक्टली वन के ऊपर आपको स्कोर मिल सकता है. जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत डेविएट कर सकता है, 0.7 आ सकता है, कोरिलेशन की वैल्यू 0.45 आ सकती है. जितना आप टाइम 2-3 महीने के बाद स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आप वन से दूर होते जाएंगे काफ़ी ज़्यादा. अगर आप घंटों बाद कर लेते हैं या एक दिन के वक्त से कर लेते हैं तो आप वन के करीब रह जाएंगे. तो जितना टाइम इंटरवल बढ़ता है उतनी ही कोरिलेशन की वैल्यू कम हो जाती है. इस चीज़ को ध्यान में बिठा लें. आपने कोशिश ये करनी है कि आप विद इन 1 वीक असेसमेंट ले लें या विद इन 2 वीक्स, ताकि आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकें. द शॉर्टर द टाइम गैप द हायर द कोरिलेशन, द लॉन्गर द टाइम गैप द लोअर द कोरिलेशन. जितना ज़्यादा टाइम गैप होगा उतना ही हाई हमारे पास कोरिलेशन, जितना ज़्यादा कम होगा टाइम गैप उतना ही हाई होगा कोरिलेशन, और जितना गैप हमारे पास ज़्यादा होता जाएगा उतना ही कोरिलेशन की वैल्यू कम होती जाएगी. नाउ टेस्ट प्री टेस्ट इश्यूज. टेस्ट प्री टेस्ट के अंदर कौन कौन से इश्यूज आते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं. देर कैन नॉट बी एनी मेजरेबल चेंज इन द कंस्ट्रक्ट बी मेजर बिटवीन द टू टेस्ट. आप उसके लिए दरमियान कोई उसके लिए अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सेम टेस्ट ही अप्लाई करना है आफ्टर द इंटरवल. दिस मैटर विल नॉट वर्क व्हेन मेजरिंग अ वेरिएबल दैट इज नॉट स्टेबल इन एन इंटरवल. ये मैथड तब हमारे पास काम नहीं करता जब एक आप वेरिएबल असेस कर रहे हैं और वो उस पर्सन के अंदर स्टेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हम ये देखना चाहते हैं एंगल जो है, हर पर्सन जो है हर टाइम एंगल में नहीं रह सकता, या आप हैप्पीनेस मेजर करना चाहते हैं. कुछ ऐसे हम वेरिएबल्स मेजर करते हैं जो कि हमारे डिपेंड कर रहे होते हैं कुछ सिचुएशंस की बेस पे. तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं या ऐसे आप कॉन्स्ट्रक्ट मेजर करना चाह रहे होते हैं जो कि स्टेट बेस्ड होते हैं, इनको आप दोबारा दोबारा से अगर आप करते भी हैं तो आपको सेम रिजल्ट नहीं मिल सकते. जैसे हैप्पीनेस है, उसके लिए कोई एक ऐसा इवेंट होना ज़रूरी है जिसके अंदर आपने हैप्पीनेस फील की हो. अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन की शादी नई नई हुई है या एक पर्सन की बर्थडे सेलिब्रेट हुई है, आपने उस टाइम असेसमेंट लिया तो वो कुछ और होगा. 10 दिन के बाद जब वो टाइम गुजर चुका है, पीरियड गुजर चुका है, तब आप असेसमेंट लेते हैं तो कुछ और आएगा रिजल्ट. तो इस वजह से एंगर के असेसमेंट आप कर रहे हैं, एक पर्सन का जो है एंगर लेवल जो है वो डिफरेंट डेज के ऊपर डिफरेंट हो सकता है. इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी हमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलती. Unless the instrument is reliable, relationship with other variables in the study will not be identified. जब तक हमारे पास रिलायबल इंस्ट्रूमेंट ना हो तब तक हम दूसरे वेरिएबल्स के साथ स्टडी के अंदर रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. इन टेस्ट प्री टेस्ट मैथड another issue that is there, you can obtain considerably different estimates of reliability depending on the interval between test. जो दो टेस्ट आप जो दो टाइम डिफरेंट टाइम्स के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं एक टेस्ट को, उसके अंदर आप डिफरेंट को एस्टिमेट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले का स्कोर कितना आया था और कितने जो हमारे पास इस टाइम स्कोर आया पार्टिसिपेंट का. For educational research, examination of scores over a 2-3 months period is sufficient for test retest reliability verification. Educational purpose के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 2-3 महीने तक का आप period gap ले सकते हैं. For example, हम participant के अंदर जो है improvement देखना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हम जो course content provide किया गया था एक specific subject का, उस कोर्स कंटेंट को कितना इन स्टूडेंट्स ने लर्न कर लिया है, उस पर कितनी लर्निंग जो है इनकी हो चुकी है और किस हद तक ये इम्प्रूवमेंट की तरफ आ चुके हैं. तो ये टेस्ट री टेस्ट में आता है. द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू टेस्ट शुड ऑलवेज बी रिपोर्टेड व्हेन यूजिंग टेस्ट री टेस्ट एज अ मेजर ऑफ रिलायबिलिटी. आपने जब भी किसी भी स्केल की टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी मेजर करनी है, आप लाजमी इस चीज़ को अपने
उस स्टडी के अंदर मेंशन करेंगे कि आपने टाइम गैप कितना दिया था, 1 वीक के गैप से आपने एडमिनिस्टर किया है, 2 वीक्स के गैप से किया है, या कम या ज़्यादा, जितना भी किया हो आप लाजमी मेंशन करते हैं। यहाँ पे के टेस्ट री टेस्ट की क्वेश्चन दी हुई है, आपके पास एक्यूरेटली फर्स्ट टाइम जब एक मेजर यूज़ की गई है, सेकेंड टाइम जब मेजर करते हैं तो सेम रिजल्ट आने चाहिए, पहली और दूसरी मेजर के अंदर आपके पास डिफरेंस ज़्यादा नहीं आना चाहिए, वो बराबर होने चाहिए, उनके स्कोर्स बराबर होने चाहिए। टेस्ट रीटेस्ट इश्यूज के अंदर फर्दर हमारे पास आता है कि रिक्वायर्स ट्वाइस द डेटा कलेक्शन, दोबारा से हमें जो है डेटा कलेक्ट करना पड़ता है सेम पार्टिसिपेंट के ऊपर सेम स्केल के साथ। पॉपुलेशन फॉर द टेस्ट वुड नीड टू बी विलिंग टू रिपीट द टेस्ट, ये एक इम्प्रैक्टिकल चीज़ होती है कि सेम पार्टिसिपेंट दोबारा से आपको सेम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। हायर कॉस्ट ड्यू टू मल्टीपल टेस्ट बीइंग एडमिनिस्टर्ड, आप जब एक स्केल को दो दफ़ा एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके ऊपर कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, पेपर वेस्टेज भी होता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ओनली वर्क्स वेल वेन प्रैक्टिकल और बेटर फॉर स्मॉल पॉपुलेशन रेदर देन आर लार्ज वन, छोटी पॉपुलेशन हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स डेविएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जब आप इसको इन द फील्ड करते हैं तब इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मसलन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप ऑनलाइन सर्वे के थ्रू जो है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी असेस कर लें, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको इन पर्सन में इसकी फाइंडिंग ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। रिसर्चर में नॉट बी एबल टू रीटेस्ट द पॉपुलेशन, हो सकता है रिसर्चर के पास इतना टाइम ना हो कि वो दोबारा से सेम पॉपुलेशन पे अप्रोच करे और रीटेस्ट कर सके, ये भी इसके अंदर एक इशू है जो कि फेस किया जाता है बाय द पार्टिसिपेंट एंड रिसर्चर्स। नाउ देयर आर एग्जांपल्स ऑफ टेस्ट रीटेस्ट, हम इसको एजुकेशनल असेसमेंट में यूज़ करते हैं, ड्रग टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, टेस्टिंग मेजरमेंट इक्विपमेंट के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्क्रीनिंग में यूज़ करते हैं, पहले पार्टिसिपेंट के अंदर जो है वो डिप्रेशन का लेवल क्या था और अब क्या है, ये सारी चीज़ें हम असेस कर रहे होते हैं। फर्दर मेडिकल इवेल्यूशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, हम इवेल्यूएट करते हैं पार्टिसिपेंट का जो मेडिकल चेकअप हुआ है, उसके अंदर इसको प्रैक्टिशनर्स भी यूज़ करते हैं कि लास्ट टाइम जो है पार्टिसिपेंट की जो मेडिकल कंडीशन है वो क्या थी, उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आई है। जैसे मेंटल स्टेट, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है और एक मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है। जब कोई भी साइकोलॉजिकल इशू आता है पेशेंट्स को, तो जब कंफर्म करने के लिए वेदर दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन यूज़ किया जाता है। और जब क्लाइंट को डिस्चार्ज किया जाता है, वंस अगेन हम मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन काफ़ी डिटेल्ड होता है, तो बाज़ औक़ात प्रेफर ये किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट्स कंडीशन कि हम मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन यूज़ करें। तो उसमें एक क्राइटेरिया है कि कम से कम इतना स्कोर हो तो हम क्लाइंट को डिस्चार्ज करते हैं, अदरवाइज हम क्लाइंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल इवेल्यूशन के लिए कितना हमने अपनी जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनसे उनकी इफेक्टिवनेस क्या रही है और क्लाइंट करंटली किस स्टेट में है, उस चीज़ के असेसमेंट के लिए भी हम टेस्ट रीटेस्ट मेथड को यूज़ करते हैं, और इसके असेसमेंट के थ्रू हम बेसिक डिसीजंस लेते हैं मेडिकल इवेल्यूशन के अंदर। पार्टिसिपेंट के डिस्चार्ज होने या ना होने का फैसला भी बाज़ इस चीज़ पर होता है। टेस्टिंग मेजरमेंट इक्विपमेंट्स में भी हम, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट जो है हमारे पास आता है मेजर डिप्रेशन के साथ, स्टार्ट में वो खुद इन्फॉर्मेंट नहीं होता, पेशेंट के साथ जो पर्सन आया होता है, कोई अटेंडेंट होता है, वो हमें उसकी कंडीशन के बारे में रिपोर्ट कर रहा होता है। तो जब क्लाइंट बेहतर हो जाते हैं या विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर 3 or 4 days हमने असेसमेंट लेनी है, जब मेडिसिन का इफेक्ट 15 days के बाद एंटी डिप्रेसेंट का स्टार्ट होता है, या कोई साइकोथेरेपिस्ट जो है थेरेपी प्रोवाइड कर रहा है उस पेशेंट को, वो अपनी थेरेपी की इफेक्टिवनेस देखना चाहता है ओवर द पीरियड 15 days के बाद दोबारा से असेसमेंट की जाती है, उसके अंदर डिप्रेशन का लेवल असेस किया जाता है, तो ये टेस्टिंग मेजरमेंट के अंदर हमारे पास एक लेवल आ जाता है, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि दिस पर्सन इज
अंडर फॉलिंग अंडर व्हाट कैटेगरी, उसके अंदर डिप्रेशन का लेवल माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, हमें उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। ड्रग टेस्टिंग में भी हम इसको पार्टिसिपेंट से रिपोर्ट करवाते हैं या सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स यूज़ करते हैं, किस हद तक वो ड्रग यूज़ कर रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, उससे वो उस ड्रग से निकलना चाह रहा है, उसके यूजेज से या नहीं, विदड्रॉल के सिम्टम्स हैं कितनी हैं और रिलैप्स के चांसेस कितने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम टेस्ट रीटेस्ट के थ्रू असेस करते हैं। फर्दर हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च लिटरेचर इन विच टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी ऑफ कॉन्टिंजेंट वैल्यूएशन मेथड जो है वो बताई गई है। दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ जनरल पॉपुलेशन एंड विजिटर रिस्पॉन्सेज। इसको आप स्टडी कर सकते हैं, इसका लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देयर आर रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर द डेटा इज ड्रॉन। एट द एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और फीडबैक अबाउट दिस लेक्चर यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन ईमेल एड्रेस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। थैंक यू वेरी मच।